ये जो मॉडल है, हमने ये जो आज मॉडल बनाया है, जैसे कि सूर साहब की हिदायत थी कि आप ऐसे ही चीज़ से मॉडल बनाएं जो यूजेबल आइटम हो घर की, जैसे खाली बॉटल हो, कोई टूटा हुआ ब्रश हो, कोई कैन हो, उन्हीं चीज़ों का यूज़ करके, उन्हीं चीज़ों को यूज़ करके हमने यहाँ पर सेल का मॉडल बनाया। सिंपली हमने पहले चार्ट लिया, उसके व्हाइट कलर से डॉट लगाए जो साइटोप्लाज्म को शो कर रहे, फिर घर की एक खाली बॉटल को हमने लिया जिसको सेंटर में रख के न्यूक्लियस शो किया, फिर एक बच्चे का छोटा सा बाल जो टूटा हुआ है उसको सेंटर में रख के न्यूक्लियस शुरू किया, और यहाँ पर आप देखिए एक शैम्पू की बॉटल को हमने काटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की शक्ल में और उसको यहाँ पर हमने, फिर एक बॉटल को काटने के बाद गार्गी बॉडी के तरीके से हमने शो किया, और यहाँ पर हमारे पास है एल्युमिनियम कैन जिसको हमने अंदर से काट के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अंदर से बताने की कोशिश की, और यहाँ पर कुछ हमने वायर को यूज़ किया, और ये वायर बेसिकली क्या है कि जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर की लिए, और बीच में एक बॉटल का हेड काटा जो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का डीएनए को शो कर रहा है। यहाँ पर ये बच्चों के खेलने वाले सिंपली एक सिक्के मिले और इसको हमने यहाँ पर लाइसोसोम शो किया, तो ये चीज़ों को हम उठा के वापस अंदर रख सकते हैं, दोबारा लगा के इमीडिएट हम इस सेल को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सबसे सस्ता जो मॉडल्स आप देखेंगे, और इसको बनाने का मकसद है कि हमें ये लगे कि हम ज़रूरी नहीं कि मार्केट से किसी भी चीज़ को ला के मॉडल बनाए, बल्कि घर की किसी भी रफ चीज़ से हम कोई भी मॉडल बना सकते हैं। और ये आप बच्चों को दिखाने का मकसद क्या है कि ये मैं बनाया है, आप घर में जाके ये बनाएंगे, और जैसे इस बार में जो साहब ने कहा कि हर बच्चे को दो दो मॉडल के लिए कहा जाए, और मैंने आपको कहा है कि नहीं कहा है, और मैंने आपको बता भी दिया कि आप इन चीज़ों पर मॉडल्स बना सकते हैं।